हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.71 पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ बॉल इज टाइड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड टू अ फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। एट द इनिशियल मोमेंट द थ्रेड इज वाउंड सो दैट द बॉल टचेस द सिलेंडर। Then the ball acquires a velocity v in the radial direction and the thread starts unwinding. The length L of the unwound segment of the thread by the instant of time t is neglecting the force of gravity. यानी आपको ये बताना है कि t टाइम में कितना लेंथ इस थ्रेड का अनवाउंड हो जाएगा इस सिलेंडर से, जबकि ये दिया हुआ है कि ये सिलेंडर फिक्स्ड है। So, कैसे सॉल्व करेंगे और क्या चित्र दिया हुआ है पहले उसे समझें। कुछ इस तरह से एक फिक्स्ड सिलेंडर को दिखाया गया है। ये मैं सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जब एक सिलेंडर को हम बनाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम इसका फ्रंट व्यू शो कर रहे हैं। सिलेंडर को इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कुछ इस तरह से रखा गया है। So, आप फ्रंट से सिलेंडर को ऐसा देख रहे हैं, ये फिक्स्ड सिलेंडर है। इस पॉइंट को मैंने सिलेंडर का सेंटर माना है और इसकी रेडियस को आर दिया गया है प्रॉब्लम में। अब ध्यान दें, एक थ्रेड इस सिलेंडर में लपेट के रखा गया है और उस थ्रेड में एक बॉल को बांधा गया है जिसका मास एम गिवन है इस प्रॉब्लम में। सो कैसे इसको मैं शो करूंगा इस डायग्राम में आप समझें। कुछ इस तरह से इस पोजीशन से मैं एक थ्रेड को दिखा रहा हूं जो कि इस सिलेंडर में बंधी हुई है थ्रू आउट। आप ये मान लें कि बहुत सारा थ्रेड इस सिलेंडर में ऐसे लिपटा हुआ है चारों तरफ और इस कॉर्नर पर एक बॉल बंधी हुई है कुछ इस तरह से। इस बॉल का मास इस डायग्राम में एम गिवन है, जबकि हम जानते हैं कि ये काइनेमेटिकल वेरिएबल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है और लेंथ पूछी गई है तो मास का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, हम सिलेंडर फिक्स्ड है। अब प्रॉब्लम में ये कहा गया है, जैसा कि मैं चित्र में देख पा रहा हूं, कि इस बॉल को वी वेलोसिटी से रेडियल डायरेक्शन में स्टार्ट किया गया है ताकि ये जो थ्रेड है ये अनवाउंड हो सके इस सिलेंडर से। जैसा दिया गया है डायग्राम में मैं वैसा शो कर रहा हूं। कुछ इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में मैं इसकी वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, हमें बताना है कि टी टाइम में कितनी लेंथ अनवाउंड हो जाएगी इस सिलेंडर से। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आए कि वी वेलोसिटी से जब आपने इस बॉल को रेडियल डायरेक्शन में मूव कराया तो इस मोशन से अगर इस थ्रेड में कोई टेंशन डेवलप होता है, यानी अगर इस मोशन से ये थ्रेड इस बॉल पर एक टेंशन डेवलप करती है तो क्लियरली उस टेंशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। आप ये जानते हैं कि इस थ्रेड के द्वारा इस बॉल को जो टेंशन मिलेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा इस सिलेंडर के लिए, और जिस डायरेक्शन में आप इस बॉल को मूव करा रहे हैं वो रेडियल डायरेक्शन है। टी और वी के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। अब इस बात पर ध्यान दें कि अगर हम वर्क कैलकुलेट करें टेंशन के द्वारा तो उसे जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वर्क डन को इस केस में जीरो माना जाएगा और चूंकि वर्क नहीं हो रहा है और कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है। यहां पर आप ध्यान दें कि प्रॉब्लम में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करने को कहा गया है, थ्रेड को इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस बताया गया है। टेंशन ही एक ऐसा फोर्स इस प्रॉब्लम में हो सकता था जो कि वर्क करके इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर सकता था, और हम देख पा रहे हैं कि टेंशन किसी प्रकार का वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी इस बॉल, यानी इस बॉल की वेलोसिटी इस प्रोसेस में वी ही रहेगी इनिशियल इंस्टेंट पर भी और उस इंस्टेंट पर भी जिस इंस्टेंट के लिए आउटकम को बताया जाना है। आप ये क्लियरली समझें कि पूरी प्रोसेस के दौरान इस बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब ध्यान दें, मान लीजिए किसी आर्बिट्रेरी इंस्टेंट पर
जब ये थ्रेड कुछ अमाउंट अनवाउंड हो जाती है तो मैं इस पिक्चर को ऐसे क्रिएट कर रहा हूं, इसे आप एक आर्बिट्रेरी इंस्टेंट में बनाया हुआ पिक्चर समझे, कुछ इस तरह से मैंने अनवाउंड थ्रेड को शो किया है और इसमें जो बॉल अटैच है, क्योंकि उस बॉल को इस थ्रेड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया गया था, तो इस पोजीशन पर मैं इसकी वेलोसिटी को कुछ ऐसे शो कर रहा हूं। आप ध्यान दें, मैंने वेलोसिटी को टेंजेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लेकर के स्टार्ट किया था और किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हुआ है। सो मैं इस इंस्टेंट पर कुछ इस तरह का पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें, इनिशियल इंस्टेंट से ही टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए कि इस पिक्चर को किसी टाइम टी के लिए प्रेजेंट किया गया है, इनिशियल टाइम को जीरो मानते हुए। सो इनिशियल टाइम को जीरो मानते हुए हम मान रहे हैं कि ये टी इक्वल टू टी का पिक्चर हमने प्रेजेंट किया है। सो एक छोटे से टाइम डी टी के बाद जब हम थोड़ा सा थ्रेड और अनवाउंड करके इस पिक्चर को क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। क्लैरिटी के लिए मैंने इस एंगल को थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन आप ध्यान दें कि मैं जिस टाइम को डी टी कह रहा हूं उस टाइम में अनवाउंड पोर्शन इस थ्रेड का बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। केवल क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए मैंने इसे कुछ डिस्टेंस पर शो किया है। आप इस बात पर ध्यान देते रहें, आप प्रैक्टिकल कंडीशन को और इस डायग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए जो कंडीशन मैं क्रिएट कर रहा हूं उन दोनों को समझें क्लियरली। मैं डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं, आप ये बात माइंड में रखें। सो एक छोटे से टाइम इंटरवल डी टी के बाद इस थ्रेड का नया पिक्चर आपके सामने है और इस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी को मैं कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा। अब ध्यान दें, अगर मैं सेंटर पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराऊं तो कुछ ऐसा पिक्चर मुझे मिलेगा और आप ये समझते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री होने चाहिए। अब एक बात पर आए कि इनिशियल पोजीशन से अगर मैं इस टी टाइम वाली पोजीशन तक एंगल को थीटा कंसिडर करूं तो मुझे इस इंक्रीमेंट को डी थीटा मानना चाहिए। यानी आप इस बात को ऐसे समझें कि एक छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में इस थ्रेड ने इतना पोर्शन अनवाउंड किया और सेंटर पॉइंट पर डी थीटा एंगल सबटेंड किया। यानी मैं इस छोटे इंटरवल डी टी में अनवाउंड लेंथ को कुछ इतना कंसिडर कर रहा हूं और सेंटर पे बने एंगल को डी थीटा। अब ध्यान दें, मान लीजिए इस अनवाउंड लेंथ को मैं किसी इंस्टेंट के लिए एक्स कह रहा हूं तो क्लियरली इस इंक्रीमेंट ऑफ अनवाउंड लेंथ को dx कहा जाना चाहिए। कुछ बातों पर ध्यान दें कि अगर इस सिलेंडर का रेडियस r गिवन है तो इस d थीटा और इस आर्क लेंथ dx को आपस में कनेक्ट किया जा सकेगा। सो मैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूले से d थीटा और dx को कनेक्ट कर सकता हूं। अब ध्यान दें, इन दोनों एंगल के 90 होने पर इस एंगल को डी थीटा ही होना चाहिए। आप ये बात जानते हैं, आप इसे कुछ इस तरह से समझें कि अगर मैं इस टेंजेंट को आगे को बढ़ाऊं और इस पॉइंट पर बने टेंजेंट को भी इस तरह से एक्सटेंड करूं तो इस एंगल को 180 माइनस डी थीटा होना चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल 90 है। तो आप समझ सकते हैं यह डी थीटा है तो यह 180 माइनस डी थीटा होगा। सो इसे डी थीटा होना चाहिए। यानी ये क्लियरली समझा जा सकता है कि एंगल में जो चेंज इस पोजीशन पर आएगा वही चेंज इस पोजीशन पर भी आएगा। यानी हर स्थिति में जब ये थ्रेड अनवाउंड होगी तो थ्रेड की इन दो ओरिएंटेशंस जो कि डी टी टाइम में चेंज हुई हैं कि बीच में बनने वाला एंगल और सेंटर पर इस अनवाउंड लेंथ के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल हर इंस्टेंट पर बराबर होंगे। अगर ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे तो ध्यान दें कि जिस एंगुलर वेलोसिटी को इस सिलेंडर में इस थ्रेड की अनवाउंड लेंथ के बेस पर डिफाइन किया जा सकता है उसी एंगुलर वेलोसिटी से इस थ्रेड को घूमता हुआ भी माना जा सकता है। यानी इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि अगर मैं इस लेंथ को एक्स कंसिडर करते हुए, जैसा कि हमने कंडीशन मानी है, इस वेलोसिटी को एसोसिएट करना चाहूं इस थ्रेड के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो क्या रिलेशन बनेगा? आप ध्यान दें, इस पॉइंट पर थ्रेड इस सिलेंडर में टच है। सो आप समझ सकते हैं कि अभी इस इंस्टेंट पर
थ्रेड के इस पार्टिकल की या इस पॉइंट की वेलोसिटी थ्रेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो है। अब इस वेलोसिटी को जीरो और इस पॉइंट की वेलोसिटी को वी कंसिडर करते हुए, इस लेंथ को एक्स मानते हुए, अगर मैं ओमेगा को वी से कनेक्ट करूं तो क्या रिलेशन मुझे मिलेगा? आप ध्यान दें, यह होगा ओमेगा इक्वल टू वी माइनस जीरो अपॉन एक्स। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मैं ओमेगा और वी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान दें, स्केलर फॉर्म में मैंने इस इक्वेशन को लिखा है केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। सो ओमेगा को वी माइनस जीरो अपॉन एक्स लिखा जा सकता है। अब एक बात पर ध्यान दें, चूंकि ओमेगा को डी थीटा से एफिलेट किया जा सकता है, तो मैं इस ओमेगा को नेक्स्ट लाइन में डी थीटा बाय डीटी से चेंज कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें। सो डी थीटा बाय डीटी का वैल्यू हमें वी बाय एक्स मिलेगा। इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान ले रहा हूं और फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली है डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाय आर। अब क्लियरली अगर डी थीटा का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा डी एक्स अपॉन आर इंटू डी टी इक्वल टू वी अपॉन एक्स, और एक्स डी एक्स का वैल्यू आर इंटू वी इंटू डी टी से दिया जा सकेगा। फाइनली इसे मैं अगर इंटीग्रेट करूं दोनों ओर तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ध्यान दें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू आर वी इंटू टी, और इंटीग्रेशन लिमिट्स के रूप में जो वैल्यूज लगाई जाएंगी आप उन पर ध्यान दें, जीरो से लेकर टी सेकेंड तक अनवाउंड सेगमेंट की लेंथ को कैलकुलेट करना है हमें। सो मैं टाइम के लिए लिमिट जीरो टू टी अप्लाई करूंगा, जबकि लेंथ के लिए मैं जीरो से एल तक लिमिट लगाऊंगा। अब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एल स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो इक्वल टू आर वी इंटू टी, और फाइनली जो L का वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा 2RVT स्क्वायर रूट। यानी कुछ इस तरह से लेंथ को पता लगाया जा सकेगा इस पूरी प्रोसेस में, और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शंस में। सो अगर हम T टाइम तक ये प्रोसेस जारी रखें तो T टाइम में इतना लेंथ इस प्रोसेस में अनबाउंड हो जाएगा। सो ध्यान दें, इस प्रॉब्लम का इनिशिएशन वर्क के कंसेप्ट से हुआ है। वर्क के कंसेप्ट को केवल इतना इस प्रॉब्लम में यूज किया गया है कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण नेटवर्क डन जीरो है। अब चूंकि नेटवर्क डन जीरो है तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होगी उसे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे रजिस्टेंस फोर्स का जिक्र इस प्रॉब्लम में नहीं किया गया है जो एनर्जी को लॉस करे। So, अगर इस प्रॉब्लम में यह पूछा जाता कि टोटल अनवाउंड लेंथ बताइए जब तक ये स्ट्रिंग ओपन होती रहे, ये थ्रेड ओपन होती रहे, तो इस प्रॉब्लम का आंसर इनफाइनाइट होना चाहिए था। यही वजह है कि पूछा गया है कि टी सेकेंड के दौरान कितना लेंथ अनवाउंड होगा। एक बात पर और ध्यान दें कि इस प्रोसेस में जब ये थ्रेड अनवाउंड हो रहा था इस सिलेंडर से, तो हमने हर इंस्टेंट पर बॉल के मोशन को इस थ्रेड के परपेंडिकुलर दिखाया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा केस है। इसे आप ऐसे समझें कि जब इस थ्रेड ने इस तरह से अनवाउंड होना स्टार्ट किया और बॉल ने वी वेलोसिटी से रेडियल डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो इसके स्टार्ट करते ही कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन में चेंजेस आए। मैं कुछ इनिशियल मूवमेंट के पिक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दें। थ्रेड को मैंने कुछ इस तरह से शो किया है और ये बॉल इस पोजीशन। अब चूंकि हर इंस्टेंट के लिए ये जॉइंट जहां पर ये थ्रेड सिलेंडर को टच कर रहा है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप इस बात पर ध्यान दें कि वी वेलोसिटी से इनिशियली ये बॉल रेडियल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सो ये टेंशन के परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। वही केस यहां पर भी बन रहा है। इनिशियल इंस्टेंट से यह देखा जा रहा है कि टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कुछ इंस्टेंट बाद का अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से शो की जा रही है और इस थ्रेड के टेंशन को ऐसे। सो ये क्लियरली समझा जा सकता है कि जिस पॉइंट पर यह थ्रेड इस सिलेंडर को टच कर रही है उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ये बॉल उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है। यानी ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जो सिलेंडर और थ्रेड के बीच में है
हमेशा यही पॉइंट एक्सेस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले कर रहा है। जैसे जैसे ये थ्रेड अनवाउंड होती जा रही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलता जा रहा है, लेकिन एक्सेस ऑफ रोटेशन का रोल हमेशा वही पॉइंट प्ले कर रहा है जो सिलेंडर और थ्रेड के कॉन्टेक्ट से हमें मिल रहा है। सो इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए किसी भी इंस्टेंट पर इस बॉल के मोशन को हम इस लेंथ ऑफ अनवाउंडेड थ्रेड के परपेंडिकुलर बना रहे हैं। आप इसे सर्कुलर मोशन के पॉइंट से भी समझ सकते हैं किसी एक पार्टिकल के लिए, या आप इस थ्रेड और इस बॉल को एक बॉडी मानते हुए एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। सो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाए जाने को इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से समझा जा सकता है। तो एक सिंपल केस जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्क का कंसेप्ट और सभी कुछ अप्लाई हुआ है और सिंपली दो एलिमेंट्री इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व किया जा सका है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। थैंक यू।